सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया और कहा कर्ज माफी सिर्फ कागजों में हुई है। भदौरिया ने कहा कमलनाथ ने एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने में किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस ने बस कागजी कार्रवाई में ही किसानों का कर्जा माफ किया है, जमीनी स्तर से कोई काम नहीं किया गया। कमलनाथ सरकार ने कहा था कि हम बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन पिछले 15 महीने की सरकार में उन्होंने किसी एक व्यक्ति को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। भदौरिया ने पूर्व सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह की नदी बचाओ यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वे अपनी अंतरात्मा में झांक कर बताएं कि सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन किस सरकार में हुआ है। उत्खनन के लिए जो भी टेंडर हुए हैं वो गोविंद सिंह की सरकार के समय ही हुए हैं। उपचुनाव के समय ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। धर्म के आधार पर हम ही राजनीति करते हैं। हमने कह रहे कांग्रेस हमेशा चिल्लाती रहती है। धर्माधिष्ठित समाज की स्थापना के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। हम कहते हैं मैं धर्माधिष्ठित समाज और धर्म के आधार पर राजनीति करता हूँ। उसकी व्याख्या करेंगे, धर्म यानी क्या, वे ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति, इस प्रकार का वो डिटेल है। इसलिए हम लोग, क्योंकि वोट हमको ज़्यादा मिले थे, आपको जानकारी के लिए आपको हो गई, वोट हमको ज़्यादा मिले थे, आंकड़ों हम कहीं पीछे रह गए थे, उन सबका सपोर्ट है, हम लोग लड़ेंगे 100%। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, रुतवा जलवा नहीं, सरकार के जनता की सेवा तभी कर सकते जब आप सरकार में। आज अरविंद भदौरिया सरकार में है तो कॉपरेटिव सोसाइटियों में अभी 7,500 करोड़ रुपए टैक्स सोसाइटियों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के तहत नीचे तक ले जाएंगे। वास्तव में विकास के सपने जो देखे हैं उनको साकार करने का तभी कर सकते जब सरकार है। इसलिए कोई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी हमारे नेता है, लेकिन हम सब उसके घटक हैं। इसलिए पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्व अंतर आत्मा की आवाज़ के साथ नीचे तक लगे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र यानी चुनाव है सामने। इसलिए कोई भी चूक ना रह जाए किसी भी प्रकार की। शिवराज सिंह चौहान ने कल आह्वान किया बड़े उत्साहपूर्वक ढंग से। इसलिए अभी क्या हुआ कि कोरोना के चक्कर में आप बड़ी रैलियाँ नहीं कर सकते, इसलिए दिख नहीं रहा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।